लूजर बनेगा विनर वेट लॉस कंपटीशन सीजन 2 की शुरुआत दिनांक 1 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रहा है। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन को नेचुरल तरीके से घटाना चाहते हो? क्या आप अपने सेहत को मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हो? तो आप संपर्क करें एकमात्र फिटनेस क्लब प्रणाल्स फिटनेस क्लब अबाउ एक्सिस बैंक जरीपटका रोड नागपुर। प्रवेश देना शुरू है, संपर्क करें प्रणाल लांजेवार। मोबाइल नंबर 9922133411। नमस्कार, मैं संजय बिरे, कारण न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में नागपुर में एक पत्र परिषद ली गई, जिसके चलते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य व पूर्व राज्यसभा सदस्य कॉमरेड रुंदा करात, इन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं मोहन नगर के उस ऑफिस में, जहां पर कॉमरेड रुंदा करात पत्रकारों से बातचीत करते हुए पत्र परिषद में दिखाई दे रही हैं। लेकिन पर्सनल लॉस को समाप्त करके नहीं हो सकता है। जो 21st लॉ कमीशन ने सुझाव दिया कि पर्सनल लॉस के अंदर सुधार कीजिए, कम्युनिटी की प्रतिनिधियों को लेकर बहस करके सुधार कीजिए, और कुछ उन्होंने रोड मैप भी दिया है, उस पर आप क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म कम्युनल एजेंडा को सूट नहीं करता है। इसलिए आपने अपने नियुक्त की गए लॉ कमीशन की रिपोर्ट को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा लॉ कमीशन की शब्द है, सीपीएम की नहीं। उन्होंने कहा एट दिस प्रेजेंट जंक्चर यूसीसी इज नाइदर डिजायरेबल नॉ नेसेसरी। मोदी जी ने उसको कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए। तीसरी बात, आज तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की बैठक चल रही है बेंगलोर में। हमारा मुख्य मुद्दा है देश बचाओ, संविधान बचाओ, और इस गोल को पहुंचने के लिए ये अनिवार्य है कि एक मंशा करके हम लोग इस आंदोलन को आगे चलाएं। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, वो जब मन में एकता होगी। जब दर्शकों नमस्कार, इस समय में हमारे साथ में कॉमरेड रुंदा करात जी है, जो कि पॉलिट ब्यूरो की सदस्य है और पूर्व राज्यसभा सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी है। आइए हम सीधा रुख करेंगे कॉमरेड रुंदा करात मैडम के पास और उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, क्या उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। मैम ये बताएं कि जिस प्रकार से आज ये जो महाराष्ट्र या देश की जो राजनीति जिस कदर चल रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? व्हाट्स योर ओपिनियन? ओपिनियन तो एक ही हो सकता है कि मोदी जी के सौजन्य से आज डिफेक्टर्स का ही राज है पूरे हिंदुस्तान में। मतलब राजनीतिक सिद्धांतों का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पावर। मोदी जी आज बोले हैं ऑपोजिशन के बारे में, उन्होंने कहा कि इनके लिए परिवार फर्स्ट एंड नो नेशन। और मैं कहती हूँ मोदी जी और उनके परिवार के लिए, परिवार का मतलब संघ परिवार और उनके एनडीए के परिवार, पावर फर्स्ट प्रिंसिपल्स एब्सेंट, ये हकीकत है। पावर फर्स्ट, नो पीपल, नो प्रिंसिपल्स, ये उनके हालत है। और रुंदा जी, पत्र परिषद के दौरान ऐसे भी देखा गया कि आपने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोदी देश का बंटवारा कर रहे, ऐसी भी आपने कहा था, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, अभी आप एक यूसीसी को ले लीजिए, ये महिलाओं के अधिकार के साथ संबंध है और इसलिए हम उसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो ये जो सामान्य नागरिक संहिता के नाम पर जो कानून लागू किया जा रहा है, मोदी जी की ही नियुक्त की गई लॉ कमीशन ने 3 साल लगाकर सिफारिश करके कहा कि यूसीसी हिंदुस्तान में न हमें चाहिए और न होने चाहिए। उन्होंने कहा हर पर्सनल लॉ में इसका रिफॉर्म होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन हकीकत अभी क्या हो रहा है
वो केवल एक कम्युनल कोड को लेकर ये करना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहती हूँ हर मौके पर वो लोगों को विभाजित कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में जिस प्रकार से जो एक ज्वालामुखी जिसे कहेंगे कि लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, कई काट छाट नजर आ रही है, मणिपुर जैसे राज्य में उस प्रांत में इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इसका जो मैसेज अदर कंट्रीज को जो गया है, इसको लेके क्या कहना चाहती हो आप? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने पूछा संजय जी। ये सोचा जा सकता है कि हमारे देश की कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में सीमा पर ये प्रदेश, और वहाँ ऐसे आग जो वहाँ लगी है वो कोई स्वतस्फूर्त बात नहीं है। उसके पीछे ये विभाजन करने वाले जो पॉलिटिक्स बीजेपी ने वहाँ इस्तेमाल किया, करूर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसमें ट्राइबल्स को और मातई को जिस बीच में इन्होंने लड़ाया, और जल रहा है मणिपुर, लेकिन मोदी जी की जबान पर दुनिया के बारे में बोल सकते हैं, वहां जाके एनआरआई से मिल सकते हैं दुनिया में, लेकिन अपने देश के नागरिक जो मणिपुर में परेशान हैं, अरे मिलने की बात तो छोड़िए, वो एक शब्द भी नहीं बोले। ये क्या है? ये नेशन फर्स्ट है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? क्या उनके प्रिंसिपल्स? ये इनकी प्रिंसिपल है पावर फर्स्ट पीपल एब्सेंट, पावर फर्स्ट प्रिंसिपल्स गायब, ये है। वृंदा जी, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये भी है कि हमने अक्सर देखा है कि जहां बड़े बड़े जो देश की पार्टियां हैं उनका ये मानना है कि अलग अलग पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने कई वहां के विधायकों या सांसदों उन्हें अपने पाले में बिठाया है, उनका ये मानना है कि उनके पास वॉशिंग मशीन है। आपकी पार्टी के पास कौन सी मशीन है? उनके पास वॉशिंग मशीन का जो पाउडर है ना, वो ईडी सीबीआई मेड इन ईडी मेड इन सीबीआई मेड इन आईटी, ये है। हमारे पार्टी में सिद्धांत, कुर्बानी और लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है समाज परिवर्तन, और उसके लिए ये सारे डर्टी पॉलिटिक्स, पैसे आधारित, कॉर्पोरेट आधारित, उनकी काला धन आधारित जो पॉलिटिक्स है, उसको हमारे कोई भी साथी, कोई भी लीडर, इंक्लूडिंग इन महाराष्ट्र हमारे एमएलए पर हम गर्व करते, कितने ऑफर्स आए हमारे लीडर्स को, लेकिन टस से मस नहीं हुए क्योंकि कम्युनिस्ट है। बिल्कुल, मेरा आखिरी का सवाल ये भी है, सवाल तो बहुत ज़्यादा है दर्शकों, क्योंकि कॉमरेड वृंदा करात मैम जो है इन्होंने संसद में काफ़ी आड़े हाथों लिया है लोगों को, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आखिरी का सवाल मैं कहना चाहूँगा वृंदा जी, मेरा आखिरी का सवाल ये है कि बीजेपी के पास आज के तारीख में मोदी प्रधानमंत्री का एक ऐसा फेस है, लेकिन जो विरोधियां उनके जो विरोधक है जिन्होंने पूरे सब एक हो चुके, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री का कौन सा फेस होगा, क्या कहना चाहती हो? ये तो एक प्रक्रिया के अंदर ये चलती है, उसमें अभी तो कोई जवाब का सवाल नहीं। बिल्कुल, तो आप थी कॉमरेड वृंदा करात जिन्होंने बखबीर बेपर के साथ बात करते हुए इन तमाम बातों के ऊपर मैं रोशनी डालते हुए ये कहा कि अगर उनके पास वॉशिंग मशीन है तो हमारे कार्यकर्ता के पास एक डेडिकेशन है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खरीदने का प्रयास किया, मगर हमारी पार्टी तत्ववादी है और तत्व के अनुरूप काम करती है, इसलिए कोई भी बिकाऊ नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी अपने आप में एक है। ऐसा आज के पत्र परिषद के दौरान जब कारा न्यूज से बात करते हुए कॉमरेड वृंदा करात इन्होंने कहा है, कॉमरेड वृंदा करात जो कि पॉलिट ब्यूरो सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की है। तो दर्शकों, आप थी कॉमरेड वृंदा करात, अगली बार हम फिर ऐसी किसी पर्सनैलिटी से आपसे बातचीत करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज नागपुर। लूजर बनेगा विनर वेट लॉस कंपटीशन सीजन 2 की शुरुआत दिनांक 1 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रहा है। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन को नेचुरल तरीके से घटाना चाहते हो? क्या आप अपने सेहत को मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हो? तो आप संपर्क करें एकमात्र फिटनेस क्लब प्रणाल्स फिटनेस क्लब अबाउ एक्सिस बैंक जरीपटका रोड नागपुर। प्रवेश देना शुरू है, संपर्क करें प्रणाल लांजेवार।
मोबाइल नंबर 9922133411।